इंटरनेशनल बालिका दिवस के अवसर पर बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्वागत गीत के माध्यम से मौजूद अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। जिला अधिकारी की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बेहतर अंक हासिल कर टॉपर की लिस्ट में शामिल हुई छात्राओं को 5000 राशि का चेक दिया गया। बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित कानपुर के जिलाधिकारी ने कहा कि भारत को सशक्त बनाने में युवा वर्ग के साथ ही बेटियों का भी अहम योगदान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर DPO के तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ था। बालिकाओं ने कार्यक्रम किए, हम लोगों ने अपनी बातचीत की और ये प्रोत्साहित किया कि हमारी बालिकाएं और पढ़े लिखे आगे बढ़ें, इसकी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में समाज में बेटियों के योगदान पर चर्चा हुई और जिलाधिकारी ने कहा कि पुरानी सोच से सभी को बाहर निकलने की जरूरत है और बेटियां किसी से कम नहीं हैं। हर क्षेत्र में बेटियां भी नाम कमा रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ओर से लड़कियों को सम्मान अधिकारों के साथ देश की सशक्त नागरिक बनाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।